स्वागत है आप सभी का मॉडल डॉटर किचन पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पनीर चिल्ली की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक सिमेथिक बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे क्यूब में कट किए हुए 250 ग्राम पनीर, अब इन सारे पनीर को इस बैटर में अच्छी तरीके से कोट कर देंगे और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने लिया है थोड़ा सा तेल। अब इसे थोड़ी देर गर्म होने दें और फिर हम इसमें एक एक करके सारे पनीर डाल देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई कर लिए। तो यहाँ पे हमारा पनीर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इन सबको निकाल देंगे। तो पनीर चिल्ली बनाने के लिए एक पैन में हमने यहाँ पे लिया है तेल। इसमें हम डालेंगे थोड़े से चॉप किए हुए लहसुन, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए हरी मिर्च, इसे भी एक बार मिला ले, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्यूब में कट किए हुए प्याज और शिमला मिर्च। इन सबको तेल में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस। इन सब को अच्छी तरीके से मिला देंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा पनीर का बचा हुआ पेस्ट। इससे हमारा पनीर चिली बहुत ही थिक बनेगा, तो इसे भी एक बार अच्छी तरीके से मिला लें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और इन सब को मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक को भी अच्छी तरीके से मिला लें। और फिर हम इसे ढक के करीब 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हमारे शिमला मिर्च और प्याज अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा फ्राई किया हुआ पनीर और पनीर को इस मसाले में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के साथ ही हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पनीर चिल्ली का रेसिपी कंप्लीट होता है। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए।